अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज दालचा बनेंगे, बघारा दालचा है और बघारा खाना है। ये दाल है, ये मैं कहीं 250 ग्राम दाल है। इसको आधा घंटा पहले भीगने रख लिया। मसूर की दाल है और तुअर की दाल, दोनों मिला के 1.25 किलो दाल है ये। इसमें डाल देंगे, इसमें 1 गिलास पानी है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची डाल देंगे, आधी कटी हुई है, थोड़ा सा तेल डाल देंगे ये। इसमें ये तेल डालने से दाल अच्छा गल जाती जल्दी। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे इसमें। ये चूल्हे की आंच खोल दिए, ये देखिए। अब इसको 2 सीटी आने तक के पका लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई, इसमें मैं तेल भी डाल दिया, तेल गरम हो गया। इधर दाल चढ़ा दिए दाल गलने के लिए। अब ये तेल गरम हो गया, इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज पत्ते है, लौंग, इलायची, शाहजीरा, दालचीनी है, थोड़ा थोड़ा ये भी ऐड करेंगे। गरम मसाला की अच्छी खुशबू आ रही। 1 प्याज की डली है, इसको बारीक काट ली, ये ऐड कर देंगे इसमें। प्याज अच्छे से हो गई। अब इसमें कद्दू डाल देंगे, जो बघारा दालचा बन रहा अपना। एक कद्दू है, एक छोटा सा कद्दू है, तो सब काट के रख लिए हम, ये भी ऐड कर सकते। कद्दू को अच्छे से फुल फ्लेम पे भून लेंगे, नहीं तो कद्दू का पानी छूट जाता है। 1-2-3 मिनट भूनने में अच्छा है इसका। ये टमाटे है, 1.25 किलो टमाटे है, थोड़ी हल्दी डाल देंगे इसमें, थोड़ी हरी मिर्ची है, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, अदरक लहसुन पाउडर, अदरक लहसुन है, 2 चाय की चम्मच अदरक लहसुन है। देखो कद्दू का कलर अच्छे से बदल गया, पानी नहीं छूटा। अब इसमें जो बना के रखे थे ये भी ऐड कर देंगे। बघारा दालचे का मतलब बिना गोश्त का दालचा है ये। इसको बना दीजिए, ये आज जुम्मा स्पेशल है, बघारा दालचा और बघारा खाना। इसको 2-3 मिनट भून लेंगे। थोड़ी कोथमीर डाल देंगे, थोड़ा करिया पत्ता, अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी है डाल के इसमें मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे। फिर 5 मिनट के लिए ढक के रख दिए, कद्दू गल जाते, टमाटे भी गल जाते। ये दाल अच्छे से गल गई, 2 सीटी हो गए। ये दाल घोटने से, घोटे बगैर ही देखो, ये डोई से अच्छा सा हिलाए तो बारीक हो जा रही है। अच्छा, अब इसमें खट्टा ऐड कर देंगे। ये 1 मुट्ठी खट्टा था, इमली थी, भिगा के इसका पानी निकाल लिए, ये ऐड कर लेंगे। आपको खट्टा ज़्यादा खाना हो तो आप ज़्यादा भी डाल ले सकते हैं। अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। दालचे में डाल लें, ये 8 से 10 लहसुन है, 2-3 हरी मिर्ची है, थोड़ी सी कोथमीर है और 1-2-3 करिया पक्के पत्ते हैं। इसका पेस्ट बना के बता दो। ये पेस्ट बन गया, दरा 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 पीस लेना इसको। कब डालना है मैं ये आपको दिखा दूँ। ये पेस्ट है ना, अभी बना से इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा धनिया पाउडर है 1 चम्मच, जीरा पाउडर है 1.5 चम्मच, गरम मसाला है 1/2 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
नमक डाल देंगे 1.5 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कद्दू गल गए, टमाटे कद्दू अच्छे से गल गए, देखिए इसमें थोड़ा गलना है। अब जो दाल डालते हैं ना खट्टी हुई दाल, इसमें ये भी गल जाती है। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे, दाल में पानी शामिल कर लिए। दाल जरा दरदरी रहना, ज्यादा पेस्ट पेस्ट नहीं बन जाना, अच्छी नहीं दिखती। अब इसके टाइम पे नमक चेक कर ले सकते। कोथमीर डाल देंगे थोड़ी, थोड़ा करियापत डाल देंगे। अब इसको पकने के लिए रख देंगे, 4 से 5 मिनट में अच्छा सा पक जाता खट्टा ही। देखिए दाल चा भी अच्छे से रेडी हो गया मेरे पास। चलो अब खाने की तरफ चलते हैं, बघारा खाने की तैयारी कर लेंगे। तेल है 100 ग्राम, ये कढ़ाई गरम हो गई। लौंग, इलायची, शाहजीरा और क्या कहते हैं दालचीनी, ये ऐड कर दें। थोड़ा गरम मसाले की अच्छी खुशबू आने तक के भून लेंगे इसको। गरम मसाले की अच्छी खुशबू आ रही, प्याज है ये, एक बड़ी प्याज बाहर कट करेंगे, अच्छे कलर आना। ये प्याज ऐसा गुलाबी हो गए, इसको और कलर आना, और कलर आने तक भून लेंगे। प्याज का कलर ऐसा होना आप समझ रहे होंगे, जल जा रही, मगर ये जल भी नहीं, ये पूरा प्याज का कलर खाने में आ जाता। इतना टेस्टी होता खाना, न कड़वा होता न कसाला होता, टेस्टी बहुत होता। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो खाने के समय ये अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू आ रही, इसमें कोई चीज भी नहीं है। ये बघारा खाना एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, सिर्फ 3 चीजों से बन रहा, प्याज, गरम मसाला और अदरक लहसुन। इतना अच्छा खुशबू आ रही इसमें, अच्छी खुशबू आ रही। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, मैंने 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। ना इसमें हरा मसाला है, ना हरी मिर्ची है इसमें, ना कोई और मसाला है, बस इस तरीके का ये बघारा खाना बनने वाला है। इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 किलो चावल के हिसाब से, पानी अपने हिसाब से डाल लेना। 1 किलो, 1 माप के वास्ते 2 माप पानी डाल देना, चावल के हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं आप। इसको ढाक के रख देंगे उबाल आने तक। पानी अच्छे से पक रहा, पानी का कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ गया। चावल ऐड कर देंगे इसमें, 1 किलो चावल देंगे। चलो इसको ढक के रख देंगे, 2-3 उबाल आना, अच्छा बीच बीच चेक कर लेते रहेंगे। ये खाना अच्छे से पक गया, अब दम होना है, बाकी थोड़ा पानी है इसमें, वो पानी में दम हो जाता, इसको दम पे लगा देंगे। दम होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह। चलो ये खाना भी दम हो गया अच्छा सा, मैं अब आपको सर्व करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे दस्तरखान पे दालचा और बघारा खाना बना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, खिला खिला बने हुआ है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, जो बघारा दालचा है उसमें जो पेस्ट डाला मैं, एक बार आप वो पेस्ट डाल के दालचा बना के देखिए, माशाल्लाह आप इतना अच्छा मजे का कहीं खाए नहीं होंगे, वैसा बने हुआ है दालचा और बघारा खाना। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिये। अल्लाह हाफिज़।